Hi, today we are going to learn TCPF protocol. तो ये TCP का enhanced version है for ad hoc wireless network के लिए. अगर हम देखें TCPF protocol एक तो support करता है reliable data link layer protocol को, और main purpose इसका हमने देखा था कि वो क्या है, minimize the throughput degradation resulting from path break. तो मान लीजिए ए बी सी और डी ये एडहॉक नेटवर्क हैं और ये एक पाथ है. ठीक है, ए टू डी एक पाथ यहाँ इस्टेब्लिश्ड है जिसमें आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है. तो ये आपका सेंडर हो गया और ये आपका रिसीवर है. इन केस ये पाथ आपका ब्रेक हो गया, अगर पाथ ब्रेक हो गया तो जो इंटरमीडिएट नोड है, जैसे सी आपका इंटरमीडिएट नोड है, बी भी इंटरमीडिएट नोड है, तो सी क्या है, एक आरएफएन नंबर आरएफएन जनरेट करेगा, एक आरएफएन जनरेट करेगा जो बी को जाएगा और बी सेंड करेगा ए को. ठीक है, तो इसमें यही है, आरएफएन क्या है, राउट फेल्योर नोटिफिकेशन पैकेट जो है वो जनरेट करेगा सी और सेंड करेगा ए को. इन केस अगर आपका ये पाथ ब्रेक हुआ है और कोई और भी नोड है ई और इसके थ्रू पाथ स्टेब्लिश हो सकता है, तो सी के पास एक ऑप्शन है कि वो जो है अगर ये पाथ ब्रेक भी हुआ तो इसके थ्रू पाथ स्टेब्लिश हो सकता है. तो जैसे ही इसको दूसरा पाथ मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, आरएफएन को सेंड करना बंद कर देगा, किसको, सेंडर को. लेकिन ये तभी होगा जब वो उसको पाथ मिलेगा. अगर पाथ नहीं मिलता है, अगर ये पाथ नहीं मिलता है तो ये लगातार क्या करेगा, आरएफएन सेंडर को सेंड करता रहेगा. और जब ए ए जो है वो आपका क्या है, सेंडर है, वो आरएफएन रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, अपॉन रिसीविंग द आरएफएन पैकेट्स द सोर्स एंटर्स अ स्नूज स्टेट एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कनेक्शन इज फ्रोजन. मतलब सारी जो पैकेट ये सेंड कर रहा था वो आपकी अब सेंड होना बंद हो जाएंगी. इवन टाइमर जो रहता है वो भी आपका एक सेट हो जाएगा कि आपको चेक करने के लिए कि ये कब तक फ्रोजन है. इट डज नॉट फॉरवर्ड एनी पैकेट फ्रॉम द कनेक्शन. अगर आफ्टर सम टाइम ऐसा होता है, हमने देखा कि ये आपका एक स्टेट था जब ये सारे कनेक्टेड थे और फिर पाथ ब्रेक हुआ, पाथ ब्रेक होकर के इंटरमीडिएट नोड जो आपका सी था उसने आरएफएन जो है पैकेट जनरेट किया और सेंडर को सेंड किया. सेंडर ने जब आरएफएन रिसीव किया तो वो किस स्टेट में चला गया, स्नूज स्टेट में चला गया और एवरीथिंग इज फ्रोजन, मतलब डेटा आपका ट्रांसमिशन बंद हो गया. जब फिर से री एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाथ टू रिसीवर, जब आपका ये री एस्टेब्लिशमेंट होगा तो इंटरमीडिएट नोड एक रूट री एस्टेब्लिशमेंट नोटिफिकेशन क्या है, आर आर एन ये जनरेट करेगा और ये आर आर एन ये किसको सेंड करेगा, सेंडर को. सेंडर को क्या सेंड कर रहा है, आर आर एन, और ये कब सेंड करेगा, जब इसका पाथ फिर से कनेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, मान लीजिए ये फिर से कनेक्ट हो गया, रीस्टेब्लिश हो गया आपका नोड, तो ये आर आर एन सेंडर को सेंड करेगा और जब सेंडर आर आर एन रिसीव करेगा रूट रीस्टेब्लिशमेंट नोटिफिकेशन तो ये क्या करेगा, फिर से अपनी डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा. तो आप देखिए ये इस तरीके से TCPF जो है एडहॉक नेटवर्क के लिए कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है. एक तो TCPF इनेबल्स अ TCP सेंडर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लूजेस ड्यू टू राउट फेल्योर, नेटवर्क कंजेशन एंड फ्रेम कोलिजन. और हमने ये मैटर देख लिया कि व्हेन राउटिंग एजेंट डिटेक्ट्स द डिसरप्शन ऑफ अ रूट. तो ये राउटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो आपके जो है राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं, जो पाथ की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारे जो है वो राउटिंग एजेंट्स होते हैं. तो राउटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, वो जनरेट करते हैं आरएफएन और ये जो है सेंडर को सेंड हो जाता है. जब सेंडर उसको रिसीव करेगा आरएफएन नंबर को तो सब कुछ जो है वो स्नूज कर देगा. ठीक है, वो स्नूज स्टेट में चला जाएगा, एवरीथिंग इज फ्रोजन.
तो ये वर्किंग है किसका, TCPF प्रोटोकॉल की। इसके कुछ प्लस और माइनस हैं, मतलब एडवांटेजेस और शॉर्टकमिंग्स हैं। तो अगर हम प्लस की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो इट प्रोवाइड्स सिंपल फीडबैक, प्रोवाइड्स सिंपल फीडबैक, इट प्रोवाइड्स सिंपल फीडबैक टू मिनिमाइज प्रॉब्लम्स ड्यू टू लिंक ब्रेक। ये एक एडवांटेज है जो कि मैंने यहाँ भी मेंशन कर रखा है। और स्टिल अलाउज कंजेशन कंट्रोल अकरिंग ड्यू टू बफर फ्लो, ये भी इसका एक एडवांटेज है। बट इसके डिसएडवांटेजेस, एक मैं डिसएडवांटेज भी लिख दे रहा हूँ, इट रिक्वायर्स एबिलिटी ऑफ नोड्स टू डिटेक्ट पाथ ब्रेक। ये और भी इसको रिक्वायर्ड है ताकि पाथ ब्रेक को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, एक चीज और है, जब हमने देखा कि इसमें पाथ ब्रेक हो रहा है, राउटिंग टेबल्स भी अपडेट हो रहे हैं, बट एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट, जो TCPF आपका जो क्लासिफिकेशन था उसमें एंड टू एंड पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये वर्क कैसे कर रहा है कि आपका डेटा लिंक लेयर, जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर मैक के साथ है, इस पे आपका क्या होता है, लिंक फेल्योर का डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन। ठीक है, उसके बाद इससे अटैच होता है आईपी लेयर जो राउटिंग का काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर आईपी लेयर होता है, वो राउटिंग का काम करता है, और ये क्या करता है, राउटिंग पाथ को अपडेट करता है। जैसे इसके पास जो टेबल था पहले, ये पाथ डिसाइड था, अब इसे और कोई पाथ मिल गया, तो ये जो इंटरमीडिएट नोड है अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर देगा कि अब ये डी के थ्रू, डी अगर आपको पहुंचना है तो ई के थ्रू आप पहुंच सकते हैं। और इससे कनेक्ट होता है क्या, TCPF प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ TCPF, जिसमें ये थ्री लेयर्स मैंने डिसाइड किए हैं। और TCPF इनेबल्स अ TCP सेंडर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लूजेस ड्यू टू राउट फेल्योर, नेटवर्क कंजेशन एंड फ्रेम कोलिजन। ठीक है, थैंक यू।